अब तक आपने देखा अर्जुन और उसका परिवार रेवा और सूर्य प्रकाश की शादी के लिए मान जाते हैं। क्या तुम हमारे भैया को पसंद करती हो? घर में कोई राजी नहीं होगा इस रिश्ते के लिए। इस बात की चिंता तुम मत करो, हम सब राजी हो गए। घबराओ मत, हम प्यार करने लगे रेवा से। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अर्जुन बॉम्ब ब्लास्ट से बहुत लोगों की जान बचाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि हमारी छोटी सी गुड़िया की सगाई हो रही है। हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। देखिए ना माँ, गुड़िया आज कितनी खुश लग रही है। किसी की नजर न लगे हमारी बिटिया को। अब हम देख कर आते कि हमारे दुल्हे राजा तैयार हुए कि नहीं। हो गए दुल्हे राजा तैयार। वाओ भैया, तुम बड़ी हैंडसम लग रहे हो। आपको किसी की नजर ना लगे। अरे इसका श्रेय जाता है मनीष कुमार, मनोहर कुमार, मनमोहन कुमार चौरसिया, यानी कि मनु चौरसिया को। मनु भैया आप भी ना। ऐसे करेंगे मंगनी। मंगनी करवा रहे हैं आपसे। अब सब ठीक है। हमारी गुड़िया का ध्यान रखेंगे ना आप? बिल्कुल। अरे भाई अब चलो, अभी सगाई की मुहूर्त का टाइम हो गया है। दूल्हे राजा फोन दीजिए हमको, मतलब सगाई के दिन में आपकी जो पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती है, तब से बज रहा है ससुरी का। दीजिए स्विच ऑफ कर दिया हमने, खुश हैं हम। ये लो, लगता है शादी के पहले ही जो है जोरू के गुलाम बन गए हो।
अर्जुन। खुशी के आंसू हैं, हम बस भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी गुड़िया जिंदगी भर खुश रहे और सब उसकी जिंदगी में अच्छा ही हो। अच्छा ही होगा। गणतंत्र दिवस का हमारा प्लान तो चौपट हो गया संपत जी, लेकिन ये शादी हमारे हाथ का इक्का है। अब देखिएगा, इससे हम बाजी को पलट के रख देंगे। अरे भी इसे खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो, कुछ गाना वाना हो जाए। डीजे। अरे भी गाने से हमें करेंगे आपको। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा डीट है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे चांदनी। ये दर्द कल उन पलों की याद है जब हम दोनों मौत के इतने सिक्र भी मत करो उसका। जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी संकट हमें अलग कर ही नहीं सकता। कर रही हो यहाँ पे? हमने तुम्हें कहा था ना कि हम शादी करने वाले हैं और तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। चंद दिनों की नजदीकियां थी, भूल जाओ उन्हें, तुम्हें हमने कहा था। कहाँ जाएंगे हम? धीरे बात करो मुझे। हम प्रेग्नेंट हैं। अरे तो हमें क्यों? क्या कहा तुमने? हाँ, ये हमारा बच्चा है सूर्या। झूठ बोल रहे हो तुम? हम झूठ नहीं बोल रहे। तीन चार दिनों से कॉल कर रहे हैं तुम्हें, हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हो। हम जानते थे कि तुम किससे शादी कर रहे हो, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। घर जाओ तुम, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। धीरे धीरे बोलो काजल। मुरली प्रकाश जी, किससे बाद में मिलना है आपको? कौन था यहाँ पे? तो कोई भी नहीं। आप किससे बात कर रहे थे? हम वो
फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा। हम रेवा के साथ हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकते, सब कुछ बताना ही होगा हमें। कर क्या रही हो तुम? साइलेंस। हमने एक डिसीजन लिया और आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? देखिए, अब शादी के बाद विदा होकर तो हमें इस घर से जाना होगा, तो अब हम चांदनी भाभी के साथ इस रूम में तो रह नहीं सकते, इसलिए आज से इस कमरे में आप दोनों रहेंगे साथ साथ। अब हमने माँ पापा सबसे बात कर ली है और सब लोग इस बात के लिए रेडी भी हैं, तो आप लोगों को अलग अलग कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों साथ में रहेंगे इस कमरे में। ओके बाय। अरे गुड़िया, अरे रेवा सुन। ये वो गुड़िया ने पता नहीं वैसे काफी अच्छी लग रही है आज तो। मोहे
अर्जुन। हमें तुमसे कुछ कहना है। आज हम जहां हैं वहां हम होंगे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। पहले सिर्फ तकरार थी, इनकार थी, पर अब ये रिश्ता इकरार तक पहुंच गया है। पूरे परिवार ने हमें स्वीकार कर लिया है और हमारे इस रिश्ते को भी। मां भी विरोध नहीं करेगी, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने पूरे दिल से ना तो हमें स्वीकार किया है ना ही हमारे रिश्ते को। आज हमारी बस यही एक इच्छा है और तमन्ना भी कह सकते हो। हमने ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि माँ तहे दिल से हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस रिश्ते के हर धर्म हर फर्ज को निभाएंगे। सिर्फ एक को छोड़ना, हम अभी एक दूसरे के नहीं होंगे। जब तक माँ इस रिश्ते को कबूल नहीं कर लेती तब तक पीली वाली साड़ी पूजा के लिए और पग फेरे के लिए ये लाल, तुम्हें पसंद है? हाँ माँ, सब बहुत अच्छे। लिस्ट बन गई क्या रिश्तेदारों की? कानपुर के सारे रिश्तेदार तो यहाँ पर आ गए, तो एक बाहर वालों को तुम देख लो जरा। अरे जानकी भाभी के रिश्तेदारों का नाम लिखिए ना। अरे वो तो रह गए। अरे हाँ, हेलो। बस एक हफ्ता बचा और आपसे रहा नहीं जा रहा। रहा तो हमसे भी नहीं जा रहे, बस मन करता है कि आप ही से बात करते रहे। रेवा जी, हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, आज ही मिलना होगा, प्लीज समझिए। आज आज कैसे हो पाएगा? माँ के साथ बाहर जाना है और फिर घर में कोई परमिशन नहीं देगा हमें जाने की। ऐसा है तो हम रात को वीडियो चैट करते हैं ना। और हाँ, एक और तरीका है, अगर आपको अपनी टांग दोबारा नहीं तोड़वानी है तो छत से आ जाइएगा। रेवा जी, हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, आप समझिए ना, आज मिलिए प्लीज हमसे। रेवा, रेवा बेटा इधर आओ। आई मां, आई। हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं, हम आपको फोन करते हैं। हेलो हेलो, कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, इनका फोन ही नहीं लग रहा है। कितनी बार हमने ट्राई। भाभी भाभी सुनिए ना। हाँ बोलो। वो अब उनका उनका फोन नहीं लग रहा है। उनका किनका? अच्छा, आपके वो उनका। भाभी हमें। गुड़िया, तुम क्या 18 सेंचुरी की लड़की हो? नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? कह दो ना कि सूर्य प्रकाश जी का फोन नहीं लग रहा। भाभी मेरी बात तो सुनो, उनका फोन नहीं लग रहा है। हमें उनसे बात करना बहुत जरूरी है, बात कर रहे थे और बीच में ऐसे फोन कट हो गया। भाभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है।
हमारी गुड़िया तो अभी से पराई हो गई। बहुत याद आ रही है उनकी। भाभी, गुड़िया वैसे तो भैया का फोन 24 घंटे ऑन ही रहता है, लेकिन हाँ जब वो सर्किट हाउस जाते हैं तब उनका फोन बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आप हमें ना सर्किट हाउस का एड्रेस दे दीजिए, हम उनको सरप्राइज देंगे। ना पापा ना, माँ को पता चल गया ना तो हम दोनों को बेलन से मारेंगी वो। भाभी प्लीज ना, उनको हमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो भी आज ही। भैया को? हाँ। तब तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी ये गुड़िया सिर्फ हमारी ननद ही नहीं, हमारी होने वाली भाभी भी है। तो हम वहाँ का एड्रेस तुम्हें मैसेज करते हैं, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे। हाँ हाँ भाभी, हम जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भए परदेसी के, मेरा यहाँ कोई नहीं। अब जाओ जल्दी। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ